और सबका आगे पीछे का पार्ट हम निकाल दिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 कलियां लहसुन का लिए। एक मिक्सी के जार लिए हैं, इसमें सभी टुकड़ों को डाल देंगे प्याज का। इसी के साथ हमारा लहसुन भी जाएगा, हरी मिर्ची भी, इसको तोड़ देते हैं। इसी के साथ इसमें एक टमाटर हम कट करके लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ गैस पे एक पैन रख दिए हैं, इसमें डालेंगे हम तेल। 3 चम्मच के बराबर हम इसमें तेल डालेंगे। तेल यहाँ गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चाय-पात का पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अब इसमें डाल देंगे हम तैयार किया हुआ पेस्ट। अभी सबको हम मिक्स करेंगे, ऐसे अच्छे से भुनने देंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम करके। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर को इसमें हम मिक्स करेंगे। ये यहाँ मसाले से तेल अलग हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम कुटी हुई गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच के बराबर, एक साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका, अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही हम इसमें डालेंगे, पूरी 1 कटोरी भर के। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका, अब एक प्याज का स्लाइस लेंगे और बेसन में अच्छे से कोट करेंगे। ऐसे ही सभी को बेसन से कोट करके हम इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो रखें और उसे एक बार हम पलट देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। इसका लीड लगा करके हम 2 मिनट और पका लेंगे। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुका, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसी तरह 1 मिनट के लिए हम लीड लगाए हुए छोड़ देते हैं। तो ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी प्याज की अनोखी रेसिपी बन के तैयार हो गई। लग रहा है ना कितना मज़ेदार, इसे देख के कोई बोल ही नहीं सकता है कि आप इसे बेसन और प्याज से बनाए हैं। सच में खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, कितना मस्त दिख रहा है ना। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।